अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, SHS चैनल के साथ आज मैं हूँ मांकियाला में। आज घूमते फिरते सोचा चलें मुस्तनसर हुसैन तारिफ चाचा साहब की जो एक यादगार मांकियाला स्तूपा, उसको थोड़ा सा सर्च करते। तो बहरहाल मांकियाला स्तूपा ढूंढने निकले थे और पहुँचे मांकियाला रेलवे स्टेशन। तो इसी पे गुजारा करते स्तूपा फिर से। आप स्टेशन देखें, बड़ा प्यारा है, खूबसूरत सा चीता खड़ा हुआ है और माशाल्लाह टाइगर आपको दिखाते हैं। मोहम्मद अरमगान हम लोगों के साथ हैं। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। गर्म सी धूप, मजेदार सी धूप इस वक्त निकली हुई है, नवंबर। और नवंबर में जो ठंड है नवंबर की, वो पोठोहार पे सुबह के टाइम और स्पेशली शाम के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। इस मौसम में निकलना, धूप को एंजॉय करना, जाते खुद बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। निकलना चाहिए हमें अपने लिए भी और अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान के लिए इसलिए कि अल्लाह ने हमें दिया है खूबसूरत मुल्क, तो हमें इसे देखना चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए इसलिए कि यार उनका भी हम पे कोई हक है, उन्हें पता होना चाहिए यार, आफ्टर ऑल शाहिद हुसैन सिद्दीकी या मेरी तरह के और बहुत से खतरनाक जो बिला वजह या बिला मकसद भी निकल पड़ते हैं घूमते फिरते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए ऐसे लोग भी हैं। और हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी इतने खूबसूरत लोग, इतना प्यारा वतन अल्लाह ने जो हमें दिया, हम उसे देखें। कि जब हम उसे देखेंगे हमारे मुंह से निकलेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह निकलेगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सुभान अल्लाह जब हम एक बार पढ़ते हैं तो इसका अजर इतना होता है कि ज़मीन से लेके आसमान के दरमियान की जो जगह है ना, उसे पुर कर दिया जाता है, पुर हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ना करते रहना चाहिए। एक वक्त आएगा जब हम ज़रा से सवाब को, ज़रा से उसको तरसेंगे, तो सुभान अल्लाह कहने से जब इतना सवाब मिलता है और जब दिल से सुभान अल्लाह निकलता है ना, तो ये उसी वक्त होता है जब हम कोई चीज़ देखें। जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये सारा मांकियाला रेलवे स्टेशन, इसको देख के दिल से निकलता है सुभान अल्लाह। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि लंबा व्लॉग मैं बनाता नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें वो घसेड़ता नहीं कि जी आप भी तंग हो, तो इसी को बहुत समझिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। खुले दाऊदी और वो मोहम्मद अरमगान प्लेटफॉर्म पर बाइक चलाता हुआ।